समाजवादी पार्टी की सियासत में एक बार फिर से आजम खान का जलवा पहले की तरह दिखने लगा है। सियासी गलियारों में चर्चा यहां तक थी कि आजम अखिलेश सिंह बहुत नाराज हैं, लेकिन 27 महीने बाद जेल से बाहर आए आजम खान ने प्रेशर पॉलिटिक्स का ऐसा सियासी दांव चला जिसमें अखिलेश यादव पूरी तरह से उनके चक्रव्यूह में फंसे हुए दिख रहे हैं। आजम खान के साथ अपने रिश्ते सुधारने और सारे गिले शिकवे को दूर करने के लिए अखिलेश यादव उनकी हर एक मुराद पूरी करने में जुटे हैं। अखिलेश यादव अपने गठबंधन के सहयोगी दलों और अपने नज़दीकी नेताओं की जगह आजम के करीबियों को प्राथमिकता दे रहे हैं। राज्यसभा से लेकर रामपुर लोकसभा उपचुनाव और विधान परिषद चुनाव में सपा के कैंडिडेट सिलेक्शन में आजम खान की ही चली। आजम खान के सपा में बढ़ते सियासी वर्चस्व से पार्टी के सियासी समीकरण भी गड़बड़ाने लगे हैं, लेकिन अखिलेश ने फिलहाल आजम खान की नाराजगी को दूर करने की ही रणनीति बनाई है। कांग्रेस छोड़कर सपा में एंट्री करने वाले इमरान मसूद पर आजम खान के करीबी नेता शहनवाज खान शब्बू और जासमीर अंसारी एमएलसी चुनाव में भारी पड़े हैं। कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजना, आसिम रजा को रामपुर लोकसभा उपचुनाव में कैंडिडेट बनाना और विधान परिषद में आजम के दो करीबी मुस्लिम नेताओं को विधान परिषद में भेजने के निर्णय को आजम खान के साथ ही जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल मामला यह है कि सपा के कद्दावर नेता आजम खान 2 साल से ज्यादा समय तक सीतापुर की जेल में बंद थे। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव महज एक बार ही आजम खान से मिलने सीतापुर जेल गए। अखिलेश उनकी रिहाई के लिए किसी तरह का कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर सके। ऐसे में आजम खान ने अपने समर्थकों के जरिए महज एक इशारा दिया कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से नाराज है। इसके बाद ही शिवपाल सिंह यादव से लेकर तमाम विपक्षी नेताओं ने उनसे मिलने का सिलसिला तेज कर दिया, लेकिन आजम खान ने सपा नेताओं से दूरी बनाए रखी। वहीं जेल से बाहर आने के करीब 10 दिन बाद आजम खान से अखिलेश यादव ने दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में मुलाकात की। हालांकि उससे पहले अखिलेश ने विधानसभा के सदन में आजम खान के खिलाफ दर्ज मामलों को उठाते हुए योगी सरकार को घेरा, बताने की कोशिश भी की कि उन्होंने आजम खान के मुद्दे को प्रधानमंत्री तक के सामने रखा था। इससे भी बात नहीं बनी तो अखिलेश ने आजम के करीबी नेताओं को सियासी तौर पर प्राथमिकता देना शुरू किया। अखिलेश और आजम के बीच सेतु का काम कपिल सिब्बल ने किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बदली हुई सियासी परिस्थितियों में आजम खान को किसी भी सूरत में नाराज नहीं करना चाहते और ना ही पार्टी से दूर रखना चाहते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव द्वारा लिए जा रहे फैसलों से कम तो यही महसूस हो रहा है कि अखिलेश ने राज्यसभा भेजने से लेकर रामपुर उपचुनाव विधान परिषद में आजम खान की चाहत का ख्याल रखा। इस वजह से अखिलेश को अपने कई करीबी नेताओं और सहयोगी दलों के अरमानों पर पानी फेरना पड़ा। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।